दोस्तों, लालच बुरी बला है। इस सीख के लिए एक सुंदर सी कहानी आप सभी के लिए। दोस्तों, ये कहानी है दो किसानों की जो गांव से निकले हैं शाम के समय मछली पकड़ने के लिए। और गांव के पास वाले नहर की झाल पर ये देखते हैं कि मछलियां उछल रही हैं। दोनों तय करते हैं कि अब हम इस नहर से मछली पकड़ेंगे। दोनों में से एक नहर के अंदर जाता है और मछलियाँ पकड़ कर बाहर फेंकता है। उसका जो साथी है वह मछलियाँ पकड़ कर जमा करता है। दोस्तों, देखते देखते काफ़ी सारी मछलियाँ जमा कर लेते हैं। लगभग ये 100 किलो तक की मछलियाँ जमा कर लेते हैं। अब इनके मन में लालच बढ़ जाता है। अब ये सोचते हैं कि हमें और मछलियाँ जमा करनी चाहिए। दोस्तों, इतने में ही जो व्यक्ति नहर के अंदर है उसके हाथों में कुछ बड़ा सा प्रतीत होता है। उसे लगता है कि कोई बड़ी मछली है। अब वो उसे जैसे ही उठाता है उसके सामने एक मुर्दे का शव सामने खड़ा हो जाता है और ये काफ़ी बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि कोई भूत या पिशाच सामने आ गया है। यह उसे छोड़कर काफ़ी तेज भागता है। दोस्तों, ये लोग आए थे शाम के समय। अब समय शाम का समय बढ़कर रात्रि के में बदल चुका है, अंधेरा हो चुका है। इसलिए वो डेड बॉडी इसे भूत की तरह प्रतीत होती है और वह काफ़ी तेज भागता है। अपने साथियों को कहता है कि अरे भागो यहाँ से, यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। दूसरा वाला भी मछलियों को छोड़कर उसके पीछे पीछे भागता है। दोनों ही बहुत ही तेज़ी से भागकर अपने घर पहुंचते हैं। उतने में दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है, अरे भाई क्या हुआ था, आप बताओगे तो सही, हम क्यों वहां से भागे। तब वो बोला कि वहां पर तो भूत था। तो दोनों में काफ़ी डर बढ़ जाता है। लेकिन दूसरे दिन हिम्मत कर दूसरा व्यक्ति वहां पर जाकर देखता है तो उसे एक भी मछलियाँ दिखाई नहीं देती, खाली एक डेड बॉडी दिखाई देती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। पर वो डेड बॉडी थी क्या, भूत था क्या पता, लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक भी मछलियाँ दिखाई नहीं देती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपको लालच नहीं करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति थोड़ी सी मछलियाँ लेकर घर आ जाते तो उन्हें काफ़ी सारी मछलियाँ मिल जाती, अब उनके हाथ कुछ लगा नहीं। दोस्तों, इसी तरह आपके जीवन में आपके पास जो है उससे संतुष्ट कीजिए। ज़्यादा लालच के चक्कर में कुछ ऐसे कदम मत उठाइए जिससे आपके जीवन में हानि पहुँच सकती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों।